दरभंगा स्टेशन पर 17 तारीख को हुए पार्सल धमाके की जांच एनआईए के हवाले हो गई है। अब एनआईए की टीम अभी इस वक्त दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंची है और उसी जगह पे है जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था। पार्सल का सामान यहीं रखा गया था और ये देखिए दो सदस्य टीम है जो पूरी घटना के स्थल को वो देख रही है। मीडिया के कैमरे के बीच वो है, हालांकि वो ब्रीफ भी किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और अचानक तेजी से वो जा रहे हैं और आगे जीआरपी का जो जगह है उस जगह जीआरपी थाने का सीसीटीवी फुटेज है, उसी इलाके में कैमरा सामने लगा हुआ है। उसी के जीआरपी के अंदर वो टीम एनआईए की टीम गई है और संभवतः ये देखा जा रहा है कि वो यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी और वो विस्फोट किस स्तर से हुआ था और कौन वो संदिग्ध था उसकी भी तलाश करेगी। दरभंगा स्टेशन पर धमाके की जांच आखिरकार एनआईए ने शुरू कर दिया। हम इस वक्त दरभंगा स्टेशन पर है, प्लेटफार्म नंबर 2 पर है। 3 सदस्य टीम है एनआईए की जो वो जांच कर रही है अलग अलग जगहों पे। इसी 2 नंबर प्लेटफार्म से पर वो पार्सल सिकंदराबाद से पहुंचा था जिसे बाद में 1 नंबर पर लाया गया। सामने दूसरी टीम दिखाई दे रही है जो 1 नंबर प्लेटफार्म पर जांच कर रही है। तीसरी टीम एक पीछे वो हाइट एंड डिस्टेंस नाप रही है कि कितनी दूरी पर क्या हुआ। फिलहाल तीनों टीम जो एनआईए की है वो अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही है। खुद दरभंगा के डीएसपी अनोज कुमार के नेतृत्व में ये उनको लीड कर रहे हैं और जगह जगह वो सबूत भी कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में ये देखिए आप आपके सामने कि वो तस्वीरें कैद कर रहे हैं जो सबूत के तौर पर जांच में उन्हें काम आएगा। चूँकि यह मामला अब बड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं जो मोहम्मद सुफियान के नाम से ये पार्सल आया था और भेजने वाला और लेने वाला चूँकि एक ही व्यक्ति था और जो उस मोबाइल नंबर अंकित था वो कहीं ना कहीं फेक निकला। उस मोबाइल पर कॉन्टेक्ट करने के बाद जो एटीएस को शुरुआती दौर में जाँच में मिली उस व्यक्ति को जो सूचना है उसे तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और यहाँ अब तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद सुफियान है उसके तार जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हैं और वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ले चुका हुआ है और एटीएस को पहले से ही 2016 से ही इसकी तलाश थी और यही कारण है कि अब एटीएस के बाद एनआईए की टीम दरभंगा पहुंच गई है इस पूरे मसले को जांचने के लिए। अब जो तमाम सबूत है वो खंगाले जाएंगे। जो यहाँ दरभंगा में दरभंगा मॉड्यूल इंडियन मुजाहिदीन का था उसको फिर से एक बार खंगाल रही है जिला पुलिस के साथ साथ एटीएस भी। अब देखना यह है कि आखिरकार जो धमाका था वो किस चीज़ का था, कौन सा केमिकल उसके अंदर था और इसका मकसद क्या था, यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।